सकते हैं फाइव स्टार, उसमें से एक ये भी स्टार होटल है, 4.5 स्टार होटल है, इसको 4 से 5 की रेटिंग दे दी जा सकती है। और ये ओपन हो चुका है, यहाँ पे बुकिंग भी ओपन है, तो ये काफ़ी अच्छा होटल है रुद्राक्ष। और एक होटल बन रहा है रेडिसन वहाँ पे YMCA ग्राउंड के पास में ही, वो भी महाकुंभ से पहले चालू कर दिया जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा होटल है, यहाँ पे बुकिंग ओपन है। और एक होटल और बन रहा है, उसकी भी अपडेट आपको देता हूँ जल्दी। यहाँ पे 16 स्टोरी होटल बनने वाला है, 5 स्टार होटल बनने वाला है, महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए होटल बनने वाला है। यहीं से 6 लेन ब्रिज भी जाएगा, ये देखिए 6 लेन ब्रिज का काम हो रहा है, आगे कप्पू चौराहा है। और ये जो स्थान है ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण का स्थान है, यहाँ पे ही होटल बनने का मोस्ट प्रॉब्ली तो यहीं बनने वाला है, और कोई यहाँ पे मफोड़गंज कोई प्लेस नहीं है। न्यूज़ के अनुसार मफोड़गंज में ही बनने वाला है, और ये विकास प्राधिकरण का ही है ज़मीन, और बगल में 6 लेन ब्रिज बन रहा है, तो आशंका है कि यहीं भी बने। सेंट जोसेफ पीछे है, जो सेंट जोसेफ है गर्ल्स का स्कूल है वो पीछे दिख रहा होगा आपको। और अगर आपको पता है कि कहीं और बन रहा है मफोड़गंज में तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि बिल्कुल 6 लेन ब्रिज के बगल में ही ये 16 स्टोरी होटल बन रहा है, 5 स्टार होटल बन रहा है, तो देखते हैं कहाँ बनता है। कंटेंपरेरी स्कूल है, इस स्कूल के थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो 5 स्टार होटल बन रहा है, प्रयागराज का पहला 5 स्टार होटल है होटल रेडिसन, वो आगे बन रहा है। तो ये जो बिल्डिंग है जनवरी में ये पूरा ओपन हो जाएगा, अभी शीशे लग जाएंगे तो आपको बाद में दिखाते हैं, मैंने परमिशन ली थी तो दिवाली वाली के बाद कहा था उन्होंने कि दिवाली में शीशे लग जाएंगे, तो ये होटल बन रहा है यहाँ पर, और अभी आपको पूरा नहीं दिखाएंगे, ये होटल बाद में बन जाएगा तो दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ये होटल रेडिसन काफ़ी अच्छा बन रहा है, 5 स्टार होटल बन रहा है। गोरिल्ला ऊंट और हाथी दिख जाएंगे, एक गोरिल्ला यहाँ अकेला खड़ा है, ये अकेला गोरिल्ला है, 2 गोरिल्ला हैं टोटल। इस वाले गोरिल्ला की जीप देखिए कितनी बड़ी है, पीछे जाएंगे तो इंदिरा गांधी चौराहा पड़ता है, ये कोई बुद्धम शरणम गच्छामी है,